हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसा आपको पता है कि मैं कुछ समय पहले SMVT रेलवे स्टेशन बैंगलोर गया हुआ था, जहां पे मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था मेरा ट्रेन जर्नी का, जो था टाटा नगर से लेके SMVT बैंगलोर तक। SMVT बैंगलोर रेलवे स्टेशन, जिसका लुक काफ़ी एयरपोर्ट जैसा दिया गया है, जहाँ पर ऑटोमेटिक टिकट काउंटर है और भी बहुत कुछ। और पैसेंजर को कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बाहर में एक काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया दिया गया है। मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हो, जिस तरीके से इसका लुक दिया हुआ है। आप अंडरग्राउंड यहाँ से आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ 7 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको काफ़ी साफ सुथरा ये रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। इस रेलवे स्टेशन पे सारी मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी ट्रेन बैंगलोर आती है तो इस रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट करती है। मैं आपको बता दूं, इस रेलवे स्टेशन पे जब आप आओगे ना, तो सबसे पहले आपको फील आएगा कि आप एक एयरपोर्ट पे आ गए हो। इस रेलवे स्टेशन पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे 1% भी गंदगी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो कुछ भी सेल होगा वो रेलवे का होगा, और आपको ज़्यादा उसके लिए पे करने का ज़रूरत नहीं है। जितना MRP है आपको उतना ही पे करना है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये एयरपोर्ट तो नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा ट्रेन से आया था। तो मैं आया था टाटा नगर SMVT एक्सप्रेस से, जो कि टाटा नगर से फ्राइडे को खुलती है शाम के 6 बजे और यहाँ पे ले आती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। मेरी ट्रेन बिफोर 30 मिनट यहाँ पे पहुँच गई थी। रांची, दिल्ली, मुंबई, पंजाब और भी बहुत सारे प्लेसेस से यहाँ पे ट्रेन आती है। साउथ साइड का बात करोगे ना, तो SMVT सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हर 1 से 2 मिनट बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, जैसे आप अभी एक अनाउंसमेंट सुन सकते हो। वीडियो में आपको देखने में रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है। अगर आप इस प्लेस पे पहली बार आते हो, तो यहाँ से अगर रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हो तो यहाँ पे लोकल बस का फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है, और मेट्रो रेलवे स्टेशन भी काफ़ी दूर है, और कहीं जाना है तो कम ही लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती है इस प्लेटफॉर्म से। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप उनसे पूछ सकते हो। बहुत लोग का एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म 7 है तो यहाँ पे कितनी ट्रेनें हॉल्ट करती है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 64 से भी ज़्यादा ट्रेनें हॉल्ट करती है। ये रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है। मुझे कमेंट में बताना आप कभी SMVT रेलवे स्टेशन गए हो कि नहीं। ये स्टेशन का जो डिज़ाइन दिया गया है ना, काफ़ी अमेजिंग है, और लाइटिंग भी काफ़ी सुंदर दिखता है। रेलवे स्टेशन रात में और अच्छा दिखता है। हम जैसे पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको देखते हुए इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है कि हम कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करें, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ SMVT रेलवे स्टेशन का बाहरी लुक। आप देख सकते हो बाहर से SMVT रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है आपको, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है रात के वक्त पे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनको हिंदी आता है। अगर आपको इंग्लिश आता है तो बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं पेंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छे लगी तभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।